एट नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, इसमें दिया गया है थ्री कॉट इज इक्वल टू फोर, तो हमको जो है फाइंड करना है, जांच करना है, किस चीज की जांच करना है कि वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए है अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ओके इन दोनों के बराबर होना चाहिए। और ये पूछा गया है होना चाहिए कि नहीं, इसमें ये दिया गया है कि बराबर है या नहीं, ये अपन को फाइंड करना है, ठीक। तो ये सब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखो इसमें टेन दिया गया है, तो हमको पहले टेन चाहिए, उसके बाद कॉस चाहिए, साइन चाहिए, सब कुछ चाहिए अभी जो है ना। और इस सबको याद करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हमें ये और एक और क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, तो आधार है और लंब है, एक त्रिभुज में यहीं पर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ये रहा आप लोगों का ए, मतलब मान लिया ये वाला एंगल ए बी सी, ठीक है, और ये कितना है 4/3, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, एक और के सामने एक भुजा लंब कहलाती है। यदि ये 4 है ये 3 है, तो ये यदि अपन करेंगे तो 4 मतलब ए सी का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, और ये 25 मतलब ये आ जाएगा 5, तो ये आपका आ जाएगा 5, ठीक। हाँ अब आप लोग टेन याद कर लीजिए, सबसे पहले टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन होता है आप लोगों का लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है आप लोगों का 3 और आधार कितना है आप लोगों का 4, टेन थीटा हो गया। अब आपको क्या चाहिए, साइन थीटा, भाई साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो भाई लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, ठीक है। कॉस थीटा भी याद कर लीजिए, कॉस थीटा क्या कहता है, आधार बटे कर्ण, भाई आधार कितना है भाई 4 है और कर्ण कितना है भाई 5, ठीक। अब हम इसको एक एक से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर यानी ये 3/4 का स्क्वायर है ना, सीधा सीधा यही तो है, अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर, ठीक है भाई कर लिया। ये यदि आप करते हो तो 1 और माइनस का कितना हो जाएगा 9/16, ओके ये भी 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका एलसीएम लेते हैं यदि हम, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 16, ये 1 ये बटे में 1 करोगे तो एलसीएम लोगे 16, और 16 माइनस का 9 अपॉन कितना हो जाएगा 16 प्लस का 9/16 हो जाएगा, ये ऊपर आपका हो जाएगा। यदि इसको माइनस करते हो आप 16 में से 9 करोगे तो 7 बचने वाला है ना, 7 ही बचेगा, 7/16 ऊपर आ जाएगा, और नीचे वाला पलट जाएगा तो नीचे वाला आ जाएगा 16 और बाई 25 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये आ रहा है आपका 7/25 आ रहा है, ये क्यों पलट जाएगा, क्योंकि यदि जो बटे में डबल बटे होता है ना, देखो ऊपर भी था 16 - 9/16 और नीचे भी था 16 + 9/16 ये था, तो इस कंडीशन में आप लोगों का ही चेंज हो जाता है, हो गया तो पलट गया, दोबारा पलट गया, ठीक। अब हम भाई इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या कहता है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर क्या है भाई 4/5, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर क्या है 3/5 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। इसको यदि आप करते हो तो आपसे क्या कहता है भाई, ये आपसे कहता है 16/25 और ये आपसे क्या कहता है 9/25, ठीक है सर। इसका एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा 25, इसमें से यदि इसको माइनस करते हो 16 माइनस का 9 होगा, 16 माइनस का 9 मतलब 7/25, मतलब दोनों ही आप लोगों के इक्वल हैं, ठीक है। तो आपको लिखना होगा आता है ये गए जो आपकी इक्वेशन है वो, मतलब लास्ट भी आप लोगों को लिखना होगा आता है ये इसके इक्वल है, और हैंस प्रूव करके आंसर करके आप लोगों को डाल देना है। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप जो एल एच एस आर एच एस या बाया पक्ष, इसको आप यदि लेते तो पहले एल एच एस लेते फिर द्वारा दूसरा सॉल्व करते आर एच एस, ऐसे ही करना है, करना आपको एल एच एस आर एच एस लेके ही है, आपको कोचिंग सेंटर पर करवाए होंगे, नहीं भी करवाए हो तो मैं आप लोगों को सामने ही इसीलिए करके दिखा रहा था जिससे आपको समझ में आ सके, ओके आई होप आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपसे क्या कहता है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन।